कामरान साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला बांदीपुरा के बुनियादी गरबी गांव में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन के दौरान पार्टी लीडरों ने स्मार्ट मीटरों की तंसीब और जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज भी किया। कन्वेंशन की सदारत रियासती सेक्रेटरी बशीर अहमद खान, सोनवारी इंचार्ज चुगला मोहम्मद डार और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने की। मकामी लोगों ने लीडरों को इलाके के मसाइल से भी आगाह किया। लीडरों ने वादा किया कि हर मसले पर आला हुकाम से बात की जाएगी। बिजली मीटर लगाए गए हमारी गरीब आवाम की, जो वो फीस अदा नहीं कर सकती है, और जो बेरोज़गारी हमारे स्टेट के अंदर है, जो हमारे स्टेट के अंदर जो बेरोज़गारी है उसके खिलाफ हमने किया। जम्मू कश्मीर में 370 की मनसूखी के 4 साल की तकमील पर बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने कुपवाड़ा में भी जश्न मनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर, जिला सदर अब्दुलरहमान लोन, नायब सदर जावेद कुरैशी के अलावा दीगर लीडरान भी जश्न में मौजूद थे। स्टेट प्रेसिडेंट और बीसी मोर्चा सुनील प्रजापति 4 रोजा दौरे पर आज कुपवाड़ा पहुंचे। उन्होंने वर्करों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने ओबीसी और दीगर तबके के लोगों के दरपेश मसाइल के बारे में वर्करों से जानकारी हासिल की। ओबीसी जुमरे के तहत लोगों के लिए सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करने पर जोर दिया। 4 दिन के लिए कश्मीर के प्रवास पे हूं और लोगों जो हमारा पसमंदा समाज, क्या हालचाल, कितनी स्कीमें यहाँ पे पहुँच रही हैं वो सारा पता करने आया था। लोगों के मसले क्या हैं, उनसे बातचीत हुई है और बड़ा कुछ सामने आया है कि यहाँ पे जो नुमाइंदे चुने गए हैं दूसरी हुकूमत के, वो कुछ उसमें हेर फेर कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ की जो हुकूमत है उनसे ये आग्रह है कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फंड्स हैं वो सबके लिए बराबर दिए जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये हमारी पार्टी का या दूसरी पार्टी का। ओबीसी के जो मसले हैं, हमने कोशिश करी इनको ये कन्वेंस करने के लिए कि ये लोग जो है मुतहरिक हो जाएं, और जो इस वक्त हमारे आने वाले टाइम में असम्बली की इलेक्शन तो बाद में होंगे कभी, लेकिन पंचायत और जो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है उसमें ओबीसी कम्युनिटी भरपूर के हिस्सा ले। भदरवा में बीजेपी कारकुनों ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी का जश्न मनाया। बीजेपी किसान मोर्चा और अकलेती मोर्चे के कारकुनों ने रैली निकाली, जिसके बाद तारीखी सीरी बाजार भदरवा में परचम कुशाई की गई। मंजीत राजदान ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन है। इस दिन आर्टिकल 370 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में बीजेपी ने खत्म कर दिया था। 5 अगस्त 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी ने 370 और 35A को ख़त्म किया, और ये जो कलंक था इस जम्मू कश्मीर पर उसको ख़त्म किया, और 370 और 35A जो कि हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जो है पूर्ण विलय नहीं होता था, क्योंकि सेंटर के जो भी कानून थे वो अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होते तो स्टेट असेंबली जो थी उसकी हमें कंसेंट लेनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन आज 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद जो केंद्र सरकार के जो 100 से ज़्यादा कानून जो है आज जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं। 370 और 35 से हटने के बाद जो है हम जो हैं एक खुली फिजा में आए हैं। हम जो है तरक्की देख रहे हैं, हम अमन चैन देख रहे हैं, हम शांति देख रहे हैं। तो इसीलिए आज जो है आज का कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया था कि 5 अगस्त जो है हमारे लिए एक बड़ा खुशी का दिन है, इसीलिए इसको जो है धूमधाम से मनाना चाहिए। और हर वो शहरी जो राष्ट्रवादी है, जो अपने देश से प्यार करता है, उसको जो है आज का दिन मनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही सही मायनों में जम्मू कश्मीर के लोगों को उन खानदानी हुकूमतों से आज़ादी मिली जिन्होंने लगभग 70 साल तक जम्मू कश्मीर की आम आवाम का इत्तेसाल किया है। जिला रामबन से बीजेपी सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक इनकलाबी दौर शुरू हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने जिला रामबन में रेलवे और हाईवे के तरक्याती प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मुहैया फंड्स और मॉनिटरिंग की। जम्मू कश्मीर तक का रेलवे लाइन और 4 लेन प्रोजेक्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रोजेक्टों में के काम में सुरत लाई है, जिसके नतीजे में रामबन बानिहाल के दरमियान मुश्किल पहाड़ियों को काटकर रेलवे ट्रैक बिछाया गया, कई टनल बनाकर शहरा का ज्यादातर काम मुकम्मल किया जा चुका है। मैं अपनी सरकार को तहदिल से धन्यवाद कहता हूं कि जो दिल्ली में बैठ के
हमारे गडकरी जी हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं, अमित शाह जी का इसको मॉनिटरिंग करते हैं, हर प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग शाम को दिल्ली में होती है। मैं तहदिल से रेलवे के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के इनको रेलवे का सुविधा दी, मैं कहता हूं कि रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं मैं उनको तहदिल से सलूट करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। मैं चौधरी नागर सिंह। आजकल 370 मनसूख हो जाने के सालगिरह पर खनबल अनंतनाग में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम तकरीबात का इनेकाद किया गया। इन लीडरों ने दफा 370 की मनसूखी को हिंदुस्तान की तारीख में एक कारनामा से ताबीर किया। के खात्मे को भले ही 8 साल मुकम्मल हुए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस पल का जश्न मना रही है जब 35 ए और दफा 370 को खत्म किया गया था और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक नई तारीख रकम की। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारे पीछे की बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आप इस साइड आ जाइए, ये बताइए कि अभी सुबह से आप देख रहे हैं बीजेपी का माहौल है यहाँ पर बनाने का, तो किस तरह से आप इस अंदर 5 अगस्त 2019 का जो ऐतिहासिक फैसला हमारे देश के महान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है वो हमारे जम्मू कश्मीर के देशवासियों के लिए बहुत एक अच्छा फैसला था, क्योंकि 2019 से पहले आपने देखा ये कितने लोगों की जाने यहाँ पे गई है। 2019 के बाद आज स्टूडेंट बिल्डिंग भी बंद है और आज कैलेंडर भी बंद है और आज डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहे हैं, क्योंकि इसी दिन संसद में 2019 में यहाँ का जो आर्टिकल था जम्मू कश्मीर का वो यहाँ से हट गया, जो जम्मू कश्मीर को ये आड़ में लेते थे यहाँ पर धारा 370 उस आड़ को हमारी संसद ने ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत जुल्म सितम होते थे, ये इस आड़ में हमारी नौजवानों को बहकाते थे। अब जब से ये धारा 370 हट गया तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली अमन भाईचारा कायम है। जो ये लोग 70 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे भाई झूंद एज़ा 370 वो जो जम्मू कश्मीर से वो पूरे तरीके से दफन हो चुका है। इन लोगों की जो सियासत है, जो ये गरीब लोगों पर सियासत करते थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ख़त्म कर दी। ये लोगों को जो यहाँ कश्मीरी लोग गरीब बच्चे थे ये यहाँ उनको पत्थर उठाने पर मजबूर करते थे, जिसका नतीजा ये निकलता था कि गरीब माओं के बच्चे लाचार होकर सड़कों पे मरते थे। अब जब से 370 उठ गया आप लोग देख रहे हो कि कश्मीर में कितनी चेंज आई है, कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है, कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। ये सब देन अगर है तो ये हमारे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है उसी की देन है, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब था एक मैदान एक प्रधान और एक निशान, आज उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी क्योंकि जो उनका मिशन था वो ऑन ग्राउंड आज सक्सेसफुल है। क्या दिखाएंगे आइंदा 370 370 में हमको बर्बाद जब रख था बर्बाद कर दिया, 370 खत्म हुआ यहाँ तरक्की हुई। ये जो महमद जी कुर्सी पे एक बात होती है कुर्सी के बाद बीजेपी को उन्होंने लाया, हमने थोड़ी लाया, तब बीजेपी ठीक थी, अब कहाँ खराब है। इन्होंने नौजवानों को बेरोजगार करके रखा, मेरा भाई पढ़ा लिखा है PhD मगर किनकी लेन से, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आया फारूक अब्दुल्ला आया वजीर खेल आया कूद में उन्होंने लूटा अनकर भी देखो NIIT क्यों लग गया वही है भाई। 370 में रखा क्या था वो आपने पहले ही खत्म कर चुका था, 370 में यहाँ था यहाँ वजीर आजम होना चाहिए, फिर कैसे आ गया चीफ मिनिस्टर, फारूक अब्दुल्ला भी बन गया चीफ मिनिस्टर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी यह कार्ड किया चलो मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा, फिर लोगों को ये बहकाते हैं, फिर आ गई PDP तो इसने कहा चौन मोल म्यून मोल सेल्फ रोल, वो सेल्फ रोल कहाँ हो गया, वो भी आज कहीं नहीं है। ये हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, ये हमें न्यूज़ अपडेट @4 में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18।